हमने आपसे कन्फर्मर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कन्फर्मर्स या रोटामर्स जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन होता था और जो एनर्जी गैप था वो 25 से कम होता था, इसकी वजह से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेशल कन्फर्मर्स पढ़ रहे हैं। उस स्पेशल कन्फर्मर में जनरली देखें कि क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर CH2 है एंड दिस इज द एक्स, और इस पोजीशन पर आपने लगा दिया CH2X और CH2OH। CH2X एंड CH2OH इसके हम लोग ओरिएंटेशन बनाते हैं। मान लीजिए आप इसका ओरिएंटेशन एक्लिप्स से स्टार्ट करें, यहाँ पर X क्या हो सकता है, या X देखें आप, X इज एल्कोहल एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर ओआर, देन फ्लोरीन एटसेट्रा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले आपका जो फ्रंट कार्बन है और बैक कार्बन है, एक हमारा एक्स है और दूसरा OH है। फ्रंट कार्बन पर हम लोग अटैच कर रहे हैं ग्रुप, एक्स और 2H। जबकि जो बैक कार्बन है इस बैक कार्बन पर जो भी अटैचमेंट हो रहा है, दैट अटैचमेंट ऑफ बिकॉज ऑफ दिस OH, एक हमने ग्रुप OH लगा लिया, एक ग्रुप यहां पर हम लोगों ने H लगा लिया, तीसरा ग्रुप भी हम लोगों ने H लगा लिया। तो सारे ग्रुप एक दूसरे के ऊपर आ गए। जनरली ये फॉर्म हमारी एक्लिप्स होती थी और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती थी। अब इसके अंदर हम रोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 60 डिग्री का आपने रोटेशन स्टार्ट किया। तो फ्रंट कार्बन पर देखें, दिस इज द फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पर एक्स एच एंड दिस इज एच, इसके पीछे वाले पर, इसके पीछे वाले कार्बन पर यहां पर हमने लगाया OH, दिस पार्ट इज H एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो H। ये बैक हो गया और आपने 60 डिग्री रोटेट करा। इसके बाद आप इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करें, कलर कॉम्बिनेशन हम लोग सेम ही यूज कर रहे हैं। और पीछे वाला ग्रीन था, यह आपने ग्रीन ले लिया। अब जब फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन होगा तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर आ जाएगा। देख सकते हैं इसके ऊपर X लगा हुआ है तो फिक्स है, X के बाद H एंड दिस इज H। ग्रीन वाले पर देखें कि यहां पर आपका OH आ जाएगा और ये वाला H आ जाएगा। फिर से आपने इसको 60 डिग्री रोटेट करा, फ्रंट को आपने फिक्स कर दिया तो फ्रंट कार्बन आपका ऐसा ही रहा, दिस इज अ फ्रंट, और बैक साइड पर ये बैक साइड हो गया। बैक साइड इस पर देखें आपकी, ये दिस इज द एक्स एच एंड दिस इज एच, एक्स एच एच। पीछे वाले पर हम यदि जाएं तो बैक साइड पर देखें आपकी, बैक साइड पर
जब रोटेशन हो चुका होगा तो उसके बाद यहां पर आपका OH आ जाएगा, इस पोजीशन पर भी एक ग्रुप और इस पोजीशन पर भी एक ग्रुप। तो बेसिकली यहां पर H था, नाउ दिस इज H, there is a mistake, ये हमारा एच आ जाएगा। The file is completely heavy. Now this is H and this one is H. यदि फिर से हम इसको रोटेट करते हैं, यदि हम इसका फर्दर रोटेशन करते हैं, तो आप देख सकते हो कि OH फिर से H पे आ जाएगा और H X के नीचे चला जाएगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि H और X जब गॉच पोजीशन पे होते हैं, दिस पोजीशन इज गॉच, तो गॉच पोजीशन में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये गॉच फॉर्म हुई। और दूसरी यदि हम फॉर्म की बात करें जिसमें एक्स और OH दोनों अपोजिट साइड हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये वाली फॉर्म जो होगी, दिस फॉर्म इज द एक्लिप्स्ड, ये हमारी फॉर्म जो हुई, दिस फॉर्म इज द एक्लिप्स फॉर्म। This form is the eclipse form. तो usually structure के अंदर क्या होता है कि gauge form जो है वो anti या eclipse से ज्यादा stable होती है। ध्यान रखें आपकी gauge form is more stable, इस type के structure में gauge is more stable than eclipsed. Eclipsed या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, this is the anti form. ये ज्यादा स्टेबल होती है। रीजन क्या देते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम एक एक करके इसका एग्जांपल देखते हैं, एक दो, और उनमें है एनर्जी के थोड़े हम लोग कंपैरिजंस करेंगे। तो पहला कंपेयर करेंगे अबाउट द इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल। तो हमने आपसे बोला कि हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल और उनकी एनर्जीज को कंपेयर करेंगे। तो इथाइलीन ग्लाइकॉल का जो स्ट्रक्चर हुआ, दैट इज द सी एस टू ओ एच एंड दिस इज ओ एच। अब हम बार बार कलर चेंज नहीं करेंगे, इसको आप समझ गए होंगे। दिस इज ओ एच, H एंड दिस इज H। ठीक पीछे वाले कार्बन पर इस पोजिशन पर OH, H एंड दिस वन इज ऑल्सो H।
इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो दूसरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। इसको फिक्स कर दें आप OH HH, पूरा नहीं बना भी स्ट्रक्चर, हम अभी पूरा बनाएंगे इसको। दिस इज सामने वाले को हर जगह आपको फिक्स करते हुए रखना है। एंड दिस इज H, सामने वाले को आपको फिक्स करते हुए रखना है। दूसरे में हमने क्या करा कि इसको पीछे वाले को 60 डिग्री रोटेट किया, सो दिस इज O एंड H, H एंड दिस वन इज H। तीसरे वाले पर यदि हम चलें तो इस पोजीशन पर OH, इस पोजीशन पर H और इस पोजीशन पर भी H। फिर से रोटेशन किया, नाउ दिस इज द OH, H एंड दिस वन इज H। इसके बाद फर्दर हम इसका रोटेशन करें, फर्दर रोटेशन करें, दिस वन इज OH, H एंड H। फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे तो यहां पर आपका OH आएगा, इस पोजीशन पर H और इस पोजीशन पर भी H आ जाएगा। फिर रोटेट करोगे आप तो स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो जाएगा, लेकिन 3D के अंदर। तो आप सोचें कि इसका हम इसको ले रहे हैं A, दिस इज B, C एंड D, और जो आपका E स्ट्रक्चर है, E को आप जरा ध्यान से देखें, H और OH ऊपर हैं, दो H और OH ऊपर हैं, E इज S सिमिलर एस C। इसके बाद स्ट्रक्चर्स जो हैं जनरली वो रिपीट कर जाएंगे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यदि हम बोले यहां पर, तो एनर्जी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोले तो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, और एक हम यहां लिख रहे हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन और दूसरा वांडरवाल स्ट्रेन या वांडरवाल फोर्सेस, जो ग्रुप ग्रुप के बीच में होता है। तो एनर्जी की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो ए की होगी। ए के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ए के बाद सी, क्योंकि दोनों जो है वो एक्लिप्स फॉर्म है, ए टोटली एक्लिप्स्ड है बी, और सी जो है वो पार्शियली एक्लिप्स्ड है, ए सी, ए सी के बाद बी और बी के बाद आपका आ जाएगा डी। यहां पर एच और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, गॉच फॉर्म में ही होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज इन गॉच फॉर्म। यदि स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी एनर्जी की जस्ट उल्टी होगी, तो ए से ज़्यादा स्टेबल सी होगा, सी से ज़्यादा स्टेबल बी होगा, देन बी से ज़्यादा आपका डी होगा। तो मेनली वी हैव टू कंसर्न अबाउट द फोर स्ट्रक्चर, फोर स्ट्रक्चर। जब फोर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, एक टॉर्सिनल स्ट्रेन है, एक वांडरवाल स्ट्रेन है, ग्रुप में यहां पर ए बी सी एंड दिस इज द डी, ये आपके ग्रुप्स हो गए, ए बी सी डी स्ट्रक्चर्स हो गए। तो यदि हम टॉर्सिनल स्ट्रेन की बात करें तो ए के अंदर टॉर्सिनल स्ट्रेन आपको पता है होती ही होती है,
बी के अंदर, बी के अंदर कोई टॉर्शनल स्ट्रेन यहां पर मौजूद नहीं होगी क्योंकि बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। सी पर जाएंगे तो सी पर भी टॉर्शनल स्ट्रेन होगी, और डी पर यदि हम जाएं, डी स्ट्रक्चर डी, तो इसके अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होगी। ए में ग्रुप दोनों एक दूसरे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा वंडरवॉल स्ट्रेन यहीं पर होती है, ग्रुप ग्रुप के बीच के जो रिपल्शंस हैं। और यहाँ तो आप सोच सकते हो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लोन पेयर आपस में रिपेल कर ही रहे होंगे, सिर्फ गॉज फॉर्म में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसके बाद बी स्ट्रक्चर पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर वंडरवॉल स्ट्रेन थोड़ी सी होती है, OH OH रिपेल करते हैं लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता। इसके बाद सी पर जाएं आप, सी में ग्रुप एक दूसरे के ऊपर है तब भी ये होगा। डी स्ट्रक्चर जो है, डी स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड दूर दूर है, यहाँ पर नहीं होगा। वान डर वाल स्ट्रेन और टॉर्सिनॉल स्ट्रेन, एनर्जी और स्टेबिलिटी, ये हमको देखते हुए चलना है, ये हमको देखते हुए चलना है। ये आपका इथाइलीन ग्लाइकॉल था। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट टू इथाइलीन ग्लाइकॉल remains in gauge form. Solid state में भी वो किस form में exist करता है? Gauge form में exist करता है। Now the next structure, next structure हम लोग ले रहे हैं इस type का CH2। एक हमारा CHO aldehyde ग्रुप है और दूसरा हमारा OH ग्रुप है जो हमने लिस्ट में दिया है आपको, एक तरफ OH और एक तरफ X। तो यहां भी जो रीजन चलेगा, दैट रीजन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके अंदर भी आप क्या करें कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, पहला सामने वाला आपका फिक्स रहेगा और ये तीन बॉन्ड 1, 2 एंड 3। तो आप सामने वाले पर ले लें कि मान लीजिए यहां पर OH है, इस कार्बन की बात करें, दूसरे वाले पर एक H है और यहां भी एक H है, पीछे वाले पर यहां पर CHO है, H है और ये H है। इसके बाद हम जब फिर से रोटेशन करें, तो एक ग्रुप हमारा OH हो गया, दिस इज H एंड दिस इज H, OH HH। पीछे वाले को जब 60 डिग्री हमने रोटेट करा तो पीछे वाला आपका CHO, दिस वन इज H एंड दिस वन इज ऑल्सो H, दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरे स्ट्रक्चर में पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री फिर से रोटेट करो, सो नाउ दिस इज द, सामने वाला तो फिक्स रहा OH, H एंड H, यहां पर आपका आ जाएगा दिस वन इज CHO, क्योंकि आप 60 डिग्री तो रोटेट कर रहे हो, CHO के बाद इस पर ये H और यहां पर भी H, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर रोटेशन, फिर से जब हमने रोटेशन करा स्ट्रक्चर को, समझो आप कलर कभी कभी चेंज हो रहे हैं तो कलर की अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां पर होगी हम आपको खुद बता देंगे। सो दिस इज द OH, H एंड H।
60 डिग्री रोटेट करा तो सी एच ओ यहाँ पर आ गया, सी एच ओ के बाद ये एच एंड दिस वन इज ऑल्सो एच, सी एच ओ एच और एच, फिर रोटेट करेंगे स्ट्रक्चर रिपीट होने चालू हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर चार स्ट्रक्चर बना लिए। इन चारों स्ट्रक्चर में देखें आप, एक हमने लिखा यहाँ पर एनर्जी, देन स्टेबिलिटी, एनर्जी स्टेबिलिटी। इसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले में एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया, कौन सा स्ट्रक्चर, देन टॉर्सिनल स्ट्रेन, देन वांडरवाल स्ट्रेन, हम लोग चार स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, एक ए, देन बी, देन सी, देन डी। ए बी सी डी चार स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। ये वाला मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर ए है, दिस स्ट्रक्चर इज बी, दिस स्ट्रक्चर इज सी और इसके बाद डी, क्योंकि फर्दर फिर से रिपीट होते चले जाएंगे। और यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो गॉच फॉर्म में ही एज बॉन्डिंग आती है और ये एज बॉन्डिंग इस टाइप की होती है, ओरिएंटेशन ऐसा रहता है। 3D के अंदर हमारी कोशिश होती है पहले एज बॉन्डिंग हो जाए, आप इस तरफ भी शो कर सकते हो, लेकिन वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी एच इधर होता है कभी इधर, लेकिन वो इस टाइप का जब अट्रैक्शन जनरेट होता है तो अपने आप ही वहां ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली ये एच इस ओ से लिंक होके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लिया। तो एनर्जी की बात करें और स्टेबिलिटी की बात करें, एनर्जी की बात करें और स्टेबिलिटी की बात करें, तो बाकी तो सब रहेगा। आप देखें इसके अंदर कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो पहले था उसी हिसाब से आपको देखते हुए चलना है। तो एनर्जी के हिसाब से बोलें हम लोग, तो पहले वाले में देखें सबसे ज़्यादा एनर्जी ए की थी, ए, ए के बाद सी, ए था, ए के बाद सी, देन बी, देन बी, बी के बाद डी, बी के बाद डी। स्टेबिलिटी आपका हो गया ए से ज़्यादा सी का, सी से ज़्यादा बी का और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी डी का। यदि हम टॉर्सिनल स्ट्रेन के बारे में बोलें तो टॉर्सिनल स्ट्रेन पहले वाले के अंदर होनी ही होनी है, दूसरे वाले में टॉर्सिनल स्ट्रेन नहीं है, तीसरे वाले में टॉर्सिनल स्ट्रेन है, बॉन्ड एक के ऊपर एक है, चौथे वाले में नहीं है। वैन डर वाल स्ट्रेन देखें आप, वैन डर वाल स्ट्रेन, वैन डर वाल स्ट्रेन जो है वो लास्ट वाले में आपकी नहीं है, पहले वाले में वैन डर वाल स्ट्रेन होगी, दूसरे में होगी, पहले वाले में ज़्यादा होगी, वैन डर वाल स्ट्रेन दूसरे वाले में भी होगी लेकिन इट इज़ द स्लाइट, और तीसरे वाले में भी यहाँ वैन डर वाल स्ट्रेन होगी। तो ये हम लोगों ने क्या कि स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमारी संभावना होती है, जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना होगी उसके हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। अब दूसरा आप एक कोई और सिस्टम देखें, वह हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे अबाउट द आयन डाइपोल इंटरेक्शन की। देखें कि ऐसा कोई सिस्टम है एफ सी एस टू, देन सी एस टू, देन एन एम ई थ्री प्लस, जहां पर तुम्हारा फ्लोरीन लगा हुआ है वहां पर आप फ्लोरीन भी लगा सकते हो, क्लोरीन भी लगा सकते हो और OH भी लगा सकते हो, फ्लोरीन क्लोरीन और OH। और ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर हम ओरिएंटेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, कौन सा
हाँ तो वही तो बता रहे हैं आपको, पहला स्ट्रक्चर हमने बनाया फ्रंट कार्बन को लो, फ्रंट कार्बन पर हम लोगों ने इस टाइप का ले लिया, ये फ्रंट, दिस इज द बैक, दूसरा फ्रंट 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो इस टाइप का आ जाएगा, थर्ड देन फोर्थ फिफ्थ करोगे तो फिफ्थ रिपीट करेगा। आप देखें जो पहला वाला कार्बन हमारा है उसके ऊपर हमने ग्रुप लगा रखा है, यहां पर सपोज N Me3 प्लस, बाकी यहां एक H होगा और ये भी H होगा, और दूसरे वाले में यहां पर फ्लोरीन H and this is H, fluorine H and H। जब ये रोटेट कर गया, रोटेट करने के बाद यहां देख सकते हो कि इस पर आपका लगा था NME3 प्लस H and this is H, यहां पर आपका फ्लोरीन आ गया, H आ गया और ये भी H आ गया। तीसरे पर जाए हम तो NME3 प्लस ऊपर हो गया, ये H था और ये भी H था, फिर से रोटेट करा, दिस इज द फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद यहां पर H हो गया एंड दिस वन इज ऑल्सो H, फ्लोरीन H एंड H। फोर्थ वाले में NME3 प्लस एच एच, फ्लोरीन की अब लोकेशन हो जाएगी, दिस इज द फ्लोरीन, बाकी ये एच हो गया और ये एच हो गया, फिर ये स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमने फिर से ले लिया ए बी सी एंड दिस इज डी, ए बी सी एंड डी, अब बात करते हैं यहां पर एनर्जी की, एनर्जी देन स्टेबिलिटी और उसके बाद टॉर्सिनल स्ट्रेन, वैन डर वाल स्ट्रेन, स्ट्रक्चर इज ए बी सी एंड डी। आप इसको थोड़ा ऐसे समझें, एनर्जी की बात करेंगे इसके अंदर, NME3 प्लस के साथ तो सबसे ज्यादा एनर्जी का इसमें जो सीक्वेंस मिलता है वो आप देखें कैसा होता है, सी ए बी सी ए डी देन बी, तो ऑर्डर स्टेबिलिटी का आ जाएगा सी ए बी सी ए डी बी सी ए डी एंड दिस इज बी। यदि हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, पहला स्ट्रक्चर देखें फ्लोरीन और ए, तो ये स्ट्रेन इसके अंदर होगी, टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी, दूसरे के अंदर रोटेट कर गया तो नहीं होगी,
तीसरे वाले में फिर एक के ऊपर एक आ गया तो टॉर्सनल स्ट्रेन होगी, चौथे वाले में फिर से नहीं होगी। वांडरवाल स्ट्रेन की बात करें तो वांडरवाल स्ट्रेन फर्स्ट वाले में ज़्यादा होगी, फिर सेकंड में भी यहाँ होगी थोड़ी सी स्लाइट, बिकॉज NME3 इज ए बल्की ग्रुप। थर्ड में होगी, चौथे में तो एकदम ही एंटी हो गया, तो चौथे में यहाँ पर नहीं होगी। इसके चलते आप देखें कि जो मैक्सिमम स्टेबल है, जो मैक्सिमम स्टेबल है दैट इज बी, उसकी वजह क्या, हमको मालूम है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये चार्ज नेगेटिव आ गया, एंड Me3+ के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पर क्या हो गए, इंट्रैक्शन चालू हो गए, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन यहाँ पर चालू हो गया आपका। तो B की स्टेबिलिटी आपका D से ज्यादा हो गई, ध्यान रखना ऐसे केस में, क्योंकि आपको ये सारे फोर्सेस की वैल्यू हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता रखी है कि कहाँ से क्या होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर A आया और C यहाँ पर मिनिमम स्टेबल होगा। C इसलिए मिनिमम स्टेबल होगा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये टॉर्सिनल स्ट्रेन तो है ही, इस NME3+ इज ए बल्की ग्रुप, उसका H के साथ वैन डर वाल रिपल्शन और H का F के साथ वैन डर वाल रिपल्शन। तो ध्यान है आप, दिस इज द इंपॉर्टेंट एनर्जी और स्टेबिलिटी जनरली आपसे यही पूछता है। तो हमने आपको पहले केस में बताया था, आप इसको भूलना मत, कि जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली आ जाती है बिटवीन द एक्स एंड एच, और ऐसे केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, दिस इज द डेल्टा माइनस एंड दिस वन इज डेल्टा प्लस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस हैं, फिर भी ये गॉज की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, गॉज की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है as compared to another form। ध्यान है आप, this is the important। और इसके बाद हम लेके चल रहे हैं अगला स्ट्रक्चर, अगले स्ट्रक्चर को आप समझें। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, FClOH तो हमने कर दिया, now this is something different, CH2 and Me3+। इसके अंदर भी हम लोग जो ओरिएंटेशन लेके चल रहे हैं, आप देखें कि पहले कार्बन पर आपने यहां पर NME3+ लगा दिया, NME3+, दिस इज H एंड दिस इज H। पीछे की तरफ यदि हम जाएं तो यहां पर ये आयोडीन हो गया, आयोडीन हमारी लिस्ट में नहीं था, अब जो हम लोग यहां पर यूज करके चल रहे हैं वहां पर आयोडीन, ब्रोमीन और SH, ये इसके लिए वैलिड है, आयोडीन, ब्रोमीन और SH, आयोडीन, देन दिस वन इज H एंड दिस वन इज आल्सो H। फिर इसको हमने 60 डिग्री घुमाया, चार ही स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, तो पहला वाला हम लोगों ने फिक्स कर दिया N, पहला वाला आपने फिक्स कर दिया, दिस इज द NME3+ H एंड H, जबकि इसके पीछे वाला जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, दिस इज द आयोडीन, यहां पर H एंड दिस वन इज H। तीसरा स्ट्रक्चर
थर्ड स्ट्रक्चर ये हमारा हो गया एन एम ई थ्री प्लस एच एच, ये फिक्स कर दिया। इसके ऊपर आपका आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन के बाद इसके ऊपर एच आ जाएगा और यहां भी आपका एच आ जाएगा। फिर से हमने इसको रोटेट करा, रोटेट करने के बाद दिस इज द एन एम ई थ्री प्लस एच एंड दिस इज एच, यहां पर आपका आयोडीन आ गया, आयोडीन के बाद एच आ गया और यहां भी एच आ गया। ये स्ट्रक्चर हो गया। चाह रहे हैं इसके बाद आपको पता ही है, फिर से रिपीट करेगा। यहां पर हम लोग यदि बात कर रहे हैं एनर्जी की, एनर्जी दिस इज ए बी सी एंड डी, एन एम ई थ्री प्लस एंड आयोडीन बोथ आर बल्की ग्रुप्स, दोनों बल्की की कैटेगरी में आते हैं, आयोडीन ब्रोमीन और एसएच वाला केस है। तो एनर्जी जो हमारी होती है दैट इज सी ए बी देन सी ए देन सी हो गया ए बी सी, इसको ऐसा मार्क कर लें, तो सी हो गया क्योंकि सी में टॉर्सिनॉल ज्यादा चल रही है, सी के बाद ए हो गया, सी देन ए देन डी देन बी। एनर्जी बी की सबसे कम है, बी की एनर्जी कम है क्योंकि आयोडीन और एन एम ई थ्री प्लस दोनों ही बल्कि ग्रुप हैं और दोनों एच से एक सफिशियंट हिंड्रेंस करेंगे। एनर्जी के बाद हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी यहां जो स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी का इसमें ऑर्डर जस्ट उल्टा होगा, सी देन ए देन डी देन बी। अब बात आती है स्ट्रेन की, तो टॉर्शनल स्ट्रेन एंड वॉन्डरवॉल स्ट्रेन, स्ट्रक्चर हमारा ए बी सी एंड डी। आप देख सकते हो इन ए बी सी डी में, ए में टॉर्शनल स्ट्रेन है, बी में टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, सी में टॉर्शनल स्ट्रेन है और डी में टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है। जबकि वॉन्डरवॉल स्ट्रेन की यदि हम बात करें तो पहले वाले में वॉन्डरवॉल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद बी में भी स्लाइटली होगी, बी के बाद सी में होगा, लेकिन स्टैगर्ड में ये नहीं होती है। कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, जहां जहां जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वहां आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सब ओवरऑल स्ट्रेन का नतीजा है जो हम लिखते जा रहे हैं। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आई बी आर और ये एस एच का था। इसके बाद हम बना रहे हैं फॉर द सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड आपको मालूम है ये इस टाइप का होता है, सी एस टू सी डब्ल्यू एच सी एस टू सी डब्ल्यू एच। तो इसमें भी हम लोग ऐसी चार स्ट्रक्चर बनाते हैं दिखाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिक्स मेंबर और सेवन मेंबर फाइव मेंबर रिंग में के में होती है, हाइपोथेटिकल जो तुम इतना दुखी हो रहा हो। तो इसके अंदर देखें आप, ये सी डब्ल्यू एच हो गया, दिस इज एच एंड दिस इज एच। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम एक्लिप्सी बना रहे हैं, दिस इज सी डब्ल्यू एच, दिस वन इज एच एंड दिस वन इज ऑल्सो एच। सामने वाले को तुमने ऐसी रखा और पीछे वाले को 60 डिग्री जब रोटेट कर दिया तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन जाएगा।
ये सी डब्ल्यू एच एच एंड एच. नाउ दिस इज सी डब्ल्यू एच एच एंड दिस इज एच. 60 डिग्री रोटेट किया. अब इसके बाद 60 डिग्री और रोटेट कर रहे हैं. दिस वन इज सी डब्ल्यू एच एच एंड एच. यहां पर आपका आ गया सी ओ एच एच एंड दिस इज एच. ये आपके तीन हो गए. फिर चौथा सी डब्ल्यू एच एच एंड दिस इज एच. यहां पर सी डब्ल्यू एच एच एंड एच. ये चार स्ट्रक्चर हो गया सक्सिनिक एसिड का. यहां पर एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, पहला वाला हमारा ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. चार स्ट्रक्चर. तो ए की एनर्जी सबसे ज्यादा, ए के बाद बी की एनर्जी, सॉरी ए, ए के बाद आप देख सकते हो कि हमने आपको बताया था कि टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होती है. तो ए के बाद सी और सी के बाद बी एंड बी के बाद डी एनर्जी. इसके बाद स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी हो जाएगा आपका ए देन सी देन बी देन डी. ध्यान रखना नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वजह, कोई भी न्यूट्रल सिस्टम जब होता है तो न्यूट्रल सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H और इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन अटैच्ड होती है. सो दिस इज द CH2 देन C डबल बॉन्ड O, दिस इज द OH. एच और इसके बीच में यदि आप एच बॉन्डिंग शो करोगे तो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7. 7 मेंबर में क्या होता है कि ओरिएंटेशन बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिसके चलते यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है. लेकिन यही एक कोई एनाइन होता, एनाइन और एच के बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं कि सक्सिनिक एसिड एसिड एट पीएच इज इक्वल टू 11. अब इसमें आप समझे, हम बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यही स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते. पीएच 11 पर बोल रहा है, इसको नीचे वाले पर ले आते हैं. पीएच जब 11 होती है तो वहां पर क्या होता है कि एसिडिक एच निकल जाते हैं, एच प्लस ये निकला और ये वाला एच प्लस निकला और दोनों की जगह माइनस चार्ज आ जाएगा. तो हर जगह आपको यही स्ट्रक्चर आप बनाना है. पीएच 11 का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन हमारा बेसिक और एल्कलाइन के बीच में है, तो माइनस माइनस. इसके बाद ये वाला भी आपका सीओ माइनस, दिस वन इज एच और यहां पर दिस इज द सीओ माइनस. लास्ट वाले में भी CO माइनस एंड CO माइनस. ABCD चार स्ट्रक्चर हो गए. तो यहां पर एनर्जी का जो ऑर्डर है,
आप देख सकते हो ए, ए के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद डी। स्टेबिलिटी, ए देन सी देन बी देन डी। तो ये हमने बताया आपको किसके बारे में, सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड आपको एक तो बताया जिसके बाद दोनों एच हैं, और एक हमने आपको बताया जिसके अंदर क्या है, एक के अंदर दो एच हैं और दूसरा एक बहुत हाई पीएच पर मौजूद है, बहुत हाई पीएच पर मौजूद है। तो ध्यान रखना आप ये सारे ओरिएंटेशंस और स्टेबिलिटी का ऑर्डर, वान डर वाल स्टेन का ऑर्डर थोड़ा सा आपको हल्का सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नतीजा है वो टॉर्सिनल स्ट्रेन और वान डर वाल स्टेन का चल रहा है। इसके बाद आगे हम लोग इसी में और डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल। और इसके बाद अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ नीचे लिखे देते हैं कि बेसिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हमने आपको बोला इज एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, या जिसको आप ग्वाच बोल रहे थे। तो बेसिकली जो वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल से ज्यादा डाइपोल, डाइपोल से ज्यादा लैटिस, लैटिस के बाद हाइड्रोजन, बॉन्डिंग, देन आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल के बाद जो आयन डाइपोल के बाद हम लोग लिखते हैं टॉर्सिनॉल। तो टॉर्सिनॉल रिपल्शंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वान डर वाल रिपल्शंस जो होते हैं वो कम होते हैं। इसी में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट इफेक्ट दैट इज कॉल्ड गॉच इफेक्ट। जैसे हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच के रोटेशन देखे थे, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलावा और भी रोटेशन हो सकते हैं बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एटसेट्रा। जैसे हम यहाँ एक मॉलिक्यूल लें CH3, CH2 और NH2, इसका हमको सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बनाना है, और इसके कन्फर्मर कैसे होंगे उसको देखें आप। हम लोग इस बॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड का रोटेशन देख रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड का। तो इसको देखने का जो तरीका है वो तरीका इस टाइप का है कि CH3 CH2 ले लिया आपने, नाइट्रोजन 1H, सेकेंड एच, और यहां लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग इसको विजुलाइज कर रहे हैं नाइट्रोजन के साइड से, जो दूसरा एटम है, क्योंकि डॉट और सर्किल तो हमको कार्बन रिप्रेजेंट करता है। वैसे आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन भी डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम नाइट्रोजन को पूरा दिखाएं तो ज्यादा बेटर होगा। इस साइड से जब विजुलाइज करेंगे तो आपको यहां पर नाइट्रोजन दिखाई देगा फ्रंट में, नाइट्रोजन के पीछे एक कार्बन,
नाइट्रोजन पर जो भी ग्रुप अटैच होंगे, एक तो हमारा यहां पर लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी दो H, इन तीनों के बीच में जो बॉन्डिंग एंगल आपने बनाया, दिस बॉन्डिंग एंगल इज 120, रोटेशन हमारा 60 डिग्री अलाउ है। अब बेसिकली नाइट्रोजन के बाद इसके ठीक बगल वाला कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, तो दिस कार्बन इज सपोज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रीन से बना देते हैं, दिस इज द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो ग्रुप होंगे वो बेसिकली इस टाइप से हम शो करेंगे, तीन, क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर बना रखे दिखा रहे हैं वो आपका स्टैगर्ड फॉर्म है। एक्लिप्स नहीं बनाना, हमको स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है, क्योंकि स्टैगर्ड में जही ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, वहां पर बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड जो आता है एक्लिप्स में उसमें क्या टॉर्सिनल स्ट्रेन आ जाती, यहां पर नहीं होगी। लोन पेयर क्या है, जहां पर एग्जिस्ट करता है वो जगह ऑलमोस्ट खाली होती है, वो जगह ऑलमोस्ट खाली होती है। वजह हमने आपको बताया था, जहां लोन पेयर एग्जिस्ट करता है बॉन्डिंग में, वहां पर एस्केलेटर्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो नाइट्रोजन की न्यूक्लियस के पास चला जाता है और वहां पर बेसिकली नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के पास चला जाएगा और वो स्पेस लगभग खाली हो जाता है। इसीलिए हम लोग लोन पेयर के बगल में मिथाइल भी रख सकते हैं और लोन पेयर के बगल में एच भी रख सकते हैं। तो लोन पेयर के बगल में लोन पेयर वाला स्पेस तो खाली है, इसलिए हम लोग यहां सबसे बल्कि ग्रुप लगा दिए CH3। ये गॉस ओरिएंटेशन है, गॉस जो हम लोगों ने बनाया था उसका ओरिएंटेशन है, तो CH3, बाकी दो H हो गए, दिस इज H एंड दिस इज H। तो जो मोस्ट बल्कि ग्रुप होगा वो आपके लोन पेयर से 60 डिग्री पर एग्जिस्ट करेगा, इसको हम बोलेंगे दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म, मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म, ये आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। तो एक मॉलिक्यूल हमने लिया, अब दूसरा देखें, हम लोग एल्कोहल यूज करते हैं, एल्कोहल यूज करेंगे हम मॉलिक्यूल, इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना रहे हैं कन्फर्मर CH3 CH2 O एंड H, O एंड H, या CH3 CH2 OH की जगह आप यहां पर कोई CH3 ले लो। ऑक्सीजन पर यहां लोन पेयर, तो सबसे स्टेबल क्या होगा, आप ऑक्सीजन की साइड से देखेंगे, इसमें हम बोलें कि CH3 दिस इज कार्बन, इसके ऊपर एक H ग्रुप और दूसरा H ग्रुप, दिस इज ऑक्सीजन, यहां कुछ CH3 रहा आपका, एक लोन पेयर यहां दिखा दिया और एक लोन पेयर इधर दिखा दिया, और इसको ऑक्सीजन की साइड से आप क्या कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। तो जो लोन पेयर होगा उसके बगल में बल्कि ग्रुप आएगा गॉस पोजीशन पर, तो इसका हम लोग ओरिएंटेशन जनरेट करेंगे। तो ओरिएंटेशन समझे आप, फ्रंट में आपका ऑक्सीजन रहा, दिस इज ऑक्सीजन, बैक साइड पर आपका कार्बन होगा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और एक मिथाइल, तो ऑक्सीजन को ऊपर हम लोग यहां पर शो कर दिए एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर इससे आप 120 पर दिखाएंगे, ऑक्सीजन, और इस पोजीशन पर हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। स्टैगर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और तो ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद पीछे वाला जो कार्बन है उसमें एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और तीसरा बॉन्ड इधर। तो यहां देख सकते हो एक ग्रुप H, दूसरा ग्रुप H
और तीसरा ग्रुप आपका CH3। तो CH3 वहां पर जाके लगेगा जो स्पेस खाली होगा, दैट इज द लोन पेयर के आसपास। तो यहां पर आपने CH3 ले लिया, दिस वन इज H एंड दिस वन इज H। तो CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे हुआ, दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल। ये हमारा मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मर बना इथाइल ग्लिकोल का। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें आप, दिस इज CH3 CH2 नाइट्रोजन एंड मिथाइल, दिस इज H और इसी पर एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन पर तो ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन पर तो हमेशा लोन पेयर होगा। इसको आपने सामने से विजुलाइज करा तो पहले नाइट्रोजन देखा, नाइट्रोजन के पीछे ये अल्फा कार्बन। या हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन को भी विजुलाइज करना है आपको, तो बेसिकली इसमें देखें कि पहले आपने नाइट्रोजन लगा दिया, बहुत इजी है, ये आपने नाइट्रोजन लगा दिया। नाइट्रोजन के पीछे ये कार्बन रहा, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, एक मिथाइल और तीसरा H हो गया, लोन पेयर मिथाइल और H हो गया। अब यदि हम कार्बन पर जाएं तो कार्बन पर दो H और CH3 है, तो बेसिकली स्टैगर्ड फॉर्म में आपको CH3 ग्रुप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर ले जाना है, क्योंकि आप देखो कि कार्बन पर जो बॉन्ड का ओरिएंटेशन होगा, एक इधर और तीसरा यहाँ पर, तो लोन पेयर के बगल में तो बल्कि ग्रुप लगेगा। अब बल्कि ग्रुप मान लीजिए आपने यहाँ पर लगा दिया, तो लोन पेयर के बगल में तो बल्कि ग्रुप आ गया, लेकिन मिथाइल मिथाइल रिपल्शन हो गया। मिथाइल मिथाइल को आप मैक्सिमम डिस्टेंस पर ले जाएं, तो यहाँ इस पोजीशन पर आप लगा देंगे, दिस इज द CH3, इस पोजीशन पर आपका H आ जाएगा और इस पोजीशन पर H आ जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मर, दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मर। इसके बाद हम अगला बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज CH3 CH2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, आप विजुलाइज इस लाइन से कर रहे हैं, यहां से आप देख रहे हो, तो पहले हमको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन, दिस इज कार्बन बीटा कार्बन और सामने से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर आप देख सकते हो कि एक लोन पेयर और दो ग्रुप और हैं, ये दोनों ग्रुप कौन से हैं आपके, इथाइल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है इथाइल ग्रुप, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है आपके इथाइल ग्रुप, दोनों इथाइल ग्रुप। तो यहां भी हमारा इथाइल ग्रुप आ जाएगा C2H5 एंड दिस वन इज ऑल्सो C2H5। इसके पीछे वाले कार्बन पर देखो तो जो ओरिएंटेशन होना है वो ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप का चलना है, एक यहां दूसरा यहां और तीसरा यहां। इस ओरिएंटेशन में देखें कि आपके पास दो तो H हैं और एक मिथाइल ग्रुप है, दो H है और एक मिथाइल, दो H और एक मिथाइल के अंदर जो बल्कि ग्रुप है वो आपका मिथाइल है, तो मिथाइल को लोन पेयर के पास लगा दो, चाहे इस साइड लगा दो राइट हैंड साइड या आप लेफ्ट हैंड साइड लगा दो। मान लीजिए आपने राइट हैंड साइड पर इसको अटैच कर दिया, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड पर देखें आपकी एक CH3 है, ये वाला H है और एक दूसरा H ये है, दूसरा H ये है,
तो मिथाइल हमेशा इथाइल के पास ही रहा, ये हमारी जो फॉर्म हुई दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल। कि बल्कि ग्रुप जो है वो लोन पेयर के बगल में एग्जिस्ट करेगा इन द गॉस पोजीशन, कि ओरिएंटेशन जो आए वो गॉस ओरिएंटेशन आए। इस स्टेप के बाद जो अगला है उसको समझें आप, CH3 CH एंड CH3 और नाइट्रोजन ये इस टाइप का रहा। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए कहां से आपको विजुलाइज करना है। तो नाइट्रोजन रहा, नाइट्रोजन के पीछे कार्बन रहा, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। फ्रंट में नाइट्रोजन और बैक साइड में कार्बन। नाइट्रोजन को अल्फा मान लो और कार्बन जो सर्किल से दिखा रहे हैं वो हम बीटा मान लिया। तो नाइट्रोजन पर आपको यहां एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, एक ग्रुप इस तरफ और एक ग्रुप इस तरफ हम लोग यहां से देख रहे हैं। जब आप इस साइड से देखेंगे तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पर आपको कौन सा ग्रुप दिखेगा, इथाइल। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर इथाइल ग्रुप, राइट हैंड साइड पर इथाइल एंड दिस इज द मिथाइल। ये हमारे किसके साथ लगे हुए हैं ग्रुप, नाइट्रोजन के साथ। थोड़ा कलर हम यहाँ पर चेंज किए देते, कार्बन को वायलेट की लेते हैं। कार्बन के ऊपर जो कनेक्टिविटी होगी वो अब इस टाइप की होगी जिससे टॉर्शनल स्ट्रेन ना रहे, जिसकी वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन ना रहे। अब बेसिकली आप देख सकते हो कि कार्बन पर एक एच ग्रुप है और दो मिथाइल ग्रुप है, एक एच है और मिथाइल। जहां लोन पेयर है वहां पर तुम मिथाइल लगाओगे, यहां भी तुम मिथाइल लगाओगे। खाली स्पेस था, अब बेसिकली यहां क्या आ चुका है, एच आ चुका है। तो इस टाइप से हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। बल्कि ग्रुप एग्जिस्ट एट गॉस पोजीशन ऑफ लोन पेयर। रीजन हमने आपको बताया कि जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, क्योंकि लोन पेयर वाले में स्कैटर ज्यादा होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग, इसी कारण से बगल में आपके मिथाइल यदि कोई बल्कि ग्रुप आएगा तो लोन पेयर से वहां इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा एंड बीटा पोजिशन। आप ये मत सोचना कि आपने वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ रखा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। दिस इज एप्लीकेबल जब ये दोनों एक ही एटम पर एग्जिस्ट करते हैं। एक ही एटम पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इस टाइप से होगा जो हमने आपको बताया।